कई डर लग रहा है। ये देखो निकला बाहर अंदर, खुद का खेती लेंगे और फिर खेती करेंगे। और मुठिया खेकड़े तो बहुत मिले, ये देखो लाल वाले भी एक मिला है। और नमस्कार दोस्तों, मैं सागर पाटिल आपका स्वागत करता हूँ मेरे आज के नए ब्लॉग में। और मैं पहुंच चुका हूँ वाकलन गांव में। यहाँ पे हम चावल की खेती लगाने वाले, आपको दिखाता हूँ चावल की खेती किस तरीके से किया जाता है। और चावल के खेती में मिलते हैं मुठिया खेकड़ा, वो भी पकड़ेंगे। चावल की खेती कैसे लगाते वो बताता हूँ आपको, और खेकड़ा पकड़ के खाएंगे, मजा करेंगे। भाई बने रहिए ब्लॉग में मेरे। और खेती के बाजू में इस तरह के खेकड़े के होल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे खेकड़े के एक दो पैर दिख सकते हैं होल के अंदर। 20-25 मिनट चलने के बाद अभी खेती आया है जहाँ पे हम चावल का खेती लगाने वाले हैं। और अपन पहुँच चुके हैं चावल के खेती पे, अभी जाना है चावल के खेती के अंदर, देखते हैं फर्स्ट टाइम उतर रहा हूँ क्या एक्सपीरियंस रहेगा, बताता हूँ आपको। और भाई अंदर किधर किधर अंदर घुस गया मुठिया इसके, अभी जस्ट मेरे को इधर एक दिखा था, वहाँ कसम हाथ को काटना ले उसका ही डर लग रहा है। ये देखो निकला बाहर अंदर था इसी, और किधर किधर खड्डे में देखो होल दिख रहा है मुठिया का, इसको अभी खोद के निकालना पड़ेगा शायद। हाँ कसम काटनी चाहिए, काटना नहीं चाहिए। हाँ दादा पकड़ा मुठिया खेकड़ा, बच्चा छोड़ा हुआ था। बच्चे को क्यों पकड़ रहे भाई? नहीं नहीं भाई, बस खेल रहा हूँ उसके साथ, इसके उसके बाप को नहीं। पकड़, इसके बाप को पकड़, इसके मम्मी डैडी को पकड़ना, इसको छोड़ देता हूँ। जा 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 बिल में उसका बाप रहेगा उसको। समुंदर पार मैं तेरे और आ गए। देखो अपन चावल का खेती लगाएंगे, बोला था मैंने आदेश भाई का चावल का ये खेत है, यहाँ पे पहुँच गया अपन खेत लगाने के लिए। हाँ देखो आदेश भाई अभी ये भाई यहाँ पे हो रही है चावल की खेती। और यहाँ का शेतकरी है हीरामन जी, हमारे शेतकरी जी, तो खेकड़ा हमने पकड़ा, आप खाओगे हमारे साथ खेकड़ा? हाँ खाएंगे, हीरामन जी खाएंगे। चलिए अभी आप निकलते हैं, चलिए इतना पाठ तो नहीं होगा मुझे। और चावल की खेती में देखो खेकड़ा बराबर निकल रहा हूँ, बहुत पसंद करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, मैं भी शेतकरी हूँ ओरिजिनल। और ये देखो चावल के खेत में मिला खेकड़ा, और भाई पकड़ इसको, शायद से इसके पेट में अंडा है। फीमेल क्रैब है ये। और इसने बच्चा छोड़ के हो चुका है, देखो तो इसके अंदर मुठे मिले और ये भी मिला। खेकड़ा नहीं जाएगा मेरे हाथ से, खेकड़ा नहीं छूटेगा भाई, आपको दिखाएंगे। और भाई खेकड़े का पकड़ना भी जारी है काम, देखते रहना बस आप। दादा अरे ये खेकड़ा सुन नहीं रहा है इधर से, नेचुरली दो चार खेकड़ा निकल रहे हैं, देखो इधर भी है उधर भी है, खेकड़ा ही खेकड़ा है ये देखो। और ये जो चावल जो खाया हुआ लग रहा है ना, खावा दिख रहा है ना, ये काले का। हाँ और मुठिया खेकड़े तो बहुत मिले, ये देखो लाल वाले भी एक मिला है। और आदेश भाई को पता नहीं उसके पैर के पीछे एक हट जाओ, देखो देख भाग रहे हैं, देख थोड़ा छोटा है लेकिन है, ये देख किधर गया रे, ये देखो बहुत सारे ऐसी खेकड़े हैं यहाँ पे। और दादा भी खेकड़ा पकड़ने का मजा। ये देखो इधर से कितने निकले, दो तीन निकले आपके पैर की इधर से, ये देखो एक इधर है एक इधर दिख रहा है,
बहुत सारे खेकड़े हैं, लेकिन ये आपने कुछ इधर इधर भी देखिए। अरे 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 मेरे पास मत आ गणेश, तेरे को आता है खेकड़ा पकड़ने के लिए? नहीं दादा। अरे काट ले वो, देखो उधर। चलो अभी चावल का खेती निकाल दे, देखते हैं। ऐसे निकालना है? हाँ, एक एक दो दो निकालो, उतना मत लो, थोड़ा थोड़ा ऐसे। हाँ हाँ, एक एक दो दो, एक एक दो दो निकाल के। तो देखो इसको ऐसे रूट्स के साथ निकाला जाता है और फिर उसको फैला के लगाएंगे। भाई चलिए, ये तो अपने को चाहिए नहीं, इसको भी छोड़ देते हैं, लेकिन बहुत खतरा यहाँ पे, अपने को ये चाहिए। ये देखो कितना सारा निकाल दिया है मैंने, अभी लगाने के लिए। 6 बजे आए, 7:30 बजे, देखिए भाई कितना काम करना पड़ता है। और आप जो चावल खाते हैं भाई, मैं तो मेरे गांव का ही खाता हूँ, लेकिन जो चावल खाते हैं। तो अभी जो अपन ये निकाल रहे हैं ना, ये क्या है, यहाँ पे चावल का बीज बोया गया, मतलब चावल एक जगह पे, एक एरिया में, छोटे से एरिया में पहले चावल बोया जाता है, फिर ये छोटे छोटे ऐसे उग जाने के बाद, 1 महीना लगता है इसको इतना उगने के लिए, फिर इसको निकाल के आगे जाके दूसरे बड़े फैला के बोया जाता है, फिर देखो वहाँ पे वो चालू है। तो चलो अभी वहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कैसे बीज बोया, चावल का ये जो आया हुआ है छोटा वाला प्लांट, वो बोया जाता है। देखो सब छोटे बड़े से लेके, छोटे से लेके बड़े तक, सबके सब पूरा फैमिली मिल के यहाँ पे काम होता है, तभी जाके अब उनको चावल मिलता है। देखो इस तरह, मम्मा भी कितना दिन जाएगा इसको बड़ा होने में? बड़ा होने में जाएगा 4 महीना जाता है। 4 महीना मतलब 1 महीना वहाँ पे, 4 महीना यहाँ पे, 5 महीना लगता है। फिर 5वें महीने में इसको निकाला जाएगा, तब तक दिवाली आ जाएगी। हाँ, दिवाली आ जाएगी, दिवाली में निकालेंगे, फिर इसके ऊपर वो खोल रहेगा, फिर उसको कैसे निकाला जाता है मामा, ऊपर कवर के साथ रहेगा वो? हाँ, दो चक्के में वो वहाँ पे काटने का, काटा जाएगा, फिर काटने के बाद वहाँ पे लेके जाके उसको उसको पटक पटक के पिटने का, इधर उसमें से अलग किया जाएगा। वो भी करने अपन बाद में आएंगे, अभी चावल का खेती मामा को लगाने दो, अपन जाते पकड़ा हुआ खेकड़ा बनाने के लिए। चलो खुद का खेती लेंगे और फिर खेती करेंगे। और भाई बारिश भी बहुत बहुत मस्त बेहतरीन बारिश हो रहा है। और क्या क्या बोल रहे थे भाई आप? जो हमने पूरा वो बीज रहता था, बीज रहता है वो डाला था, लेकिन वो केकड़ा है, जरूरत बोल रहा, केकड़ा जो रहता है ना, केकड़ा उन्हें वो पूरा खा के वो सब खराब कर दिया। लेकिन अभी मतलब देखिए, ये पूरा खेत एक जगह पे, जो बोला था एक जगह पे बोया जाता है, पहले यहाँ पे बीज लगाया हुआ था, ये पूरा भर गया था। और खेत में खेकड़ा कैसे मिलता है, और खेत में खेकड़ा क्यों आता है, तो ये खाने के लिए आता है। चावल का जो ऊपर का उगा हुआ दिख रहा है ना आपको, कटुआ जो छोटा छोटा आधा आधा कटुआ, ये खेकड़ों ने खाया हुआ है। तो अभी दूसरे के खेत में लगाया हुआ वो लाएंगे और इसमें डालेंगे। तो भाई अपने गोनी में 100-150 खेकड़ा हुआ है, अभी रास्ते से चल के जा रहा ना बारिश में, ये देखो भाई रास्ते में घूम रही है सीधा ऊपर। वो खेती में तकलीफ नहीं हो रहा था, कीचड़ है ना तो पकड़ने के लिए। इधर ये भाई को फ्री जगह मिल रहा है ना, ये होल से उसके खड्डे के से बहुत दूर आ चुका है ये। और भी कहाँ कहाँ पे दिखा था भाई मेरे को चलते चलते रास्ते में, लेकिन इधर काटने का डर है इसके लिए नहीं पकड़ रहा था। थैली में पूरा भर दिया है, बाद में आपको निकालूंगा ना तो बताऊंगा। ये देखो, हाँ रात्रि कौन है निकल और भाई खेकड़ा पकड़ के आए अभी आदेश भाई के घर पे। अभी इधर साफ सफाई चालू है, खेकड़ा साफ करेंगे और फिर पकाएंगे। देखो इसके अंदर जो गोनी भर के लाया था मैंने, अंदर भी खेकड़ा है भाई, अटक के बैठा है ये तो उंगली। तो भाई पूरा 1.5 घंटा लग गया खेकड़ा साफ करने में, और एक जगह पे काटा भी देखो खून निकल रहा है। तो भाई अभी इसको पूरा धो लेते हैं, पहले अच्छे से 2-3 पानी में अच्छे से धो लेंगे, फिर पकाने के लिए चले जाएंगे वहाँ पे।
मुंबई में तो भाई खेकड़ा धो के साफ करके हो गए और अभी खेकड़ा साफ होने यहाँ पे अपना कांदा टमाटर भी काट के हो गए, तो चलो अभी चूल्हा जला लेते और पकाना चालू कर देते। चलो भाई अभी चूल्हा जल गया है, तो भाई अभी ऑयल डाल दिया है, अभी थोड़ा ऑयल को सही से गर्म होने दो। तो भाई अभी तेल गर्म हो चुका है, खड़े खड़े डाल देंगे इसमें खड़े मसाले। दादा वो किधर है हिलाने वाला? हिलाने वाला इधर है, इधर। तो भाई थोड़ा अच्छे से इसको आँच लगने दो, फिर इसमें डालना है प्याज। तो भाई डाल दिया है प्याज और बस। और जैसे मैं हमेशा बता दे रहा था, प्याज जल्दी से लाल होना चाहिए, इसके लिए इसमें डालना है नमक ताकि प्याज अच्छे से पक जाए, जल्दी पक जाए और लाल हो जाए मस्त। तो भाई अभी प्लेट में सब मसाले निकाल लेते सबसे पहले। तो भाई वहाँ पे कांदा टमाटर भून के हो रहे, तब तक अपन ने मसाले रेडी कर लिए और दादा वहाँ पे कांदा टमाटर भून रहे। ये है अदरक लहसुन पेस्ट, लाल तीखा मसाला, हरी मिर्ची का पेस्ट और देखिए सब सब अपने मसाले। तो भाई अभी मसाले डाल दिए है और भाई क्या खुशबू आ रहा है मसाला डालने के बाद, मुठिया खेकड़ा डालने के बाद तो बहुत मज़ा आने वाला है भाई, क्योंकि अभी इतना बेहतरीन खुशबू आ रहा है, क्या बताओ आपको। तो भाई अभी इसमें मुठिया डाल दी है, बारिश भी ज़ोरदार हो रही है, बारिश का आवाज़ आपको सुनाई देता होगा। चलो भाई मुठिया डाल दिए, थोड़ा सा इसको मसाले में थोड़ा सा पकने को, फिर डालेंगे इसके अंदर पानी, तब तक ढक के रख देते हैं इसको। तो चलो भाई अपना खेकड़ा वहाँ पे दादा ने पका लिया है, अभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। और आदेश भाई ने घर पे बनाया हुआ चावल की रोटी और ये राइस, जो राइस अपन ने आज खेती में लगाया ना, ये पिछले साल का राइस है। तो देखते हैं भाई पिछले साल का राइस, साल साल भर पूरा चल जाता है ये राइस, साल भर पूरा चलता है। चलो खेकड़ा ले लेते हैं, पक चुका है खेकड़ा, क्या बात है भाई अभी भी उबाल आ रहा है, क्या खुशबू आ रहा है यार, मज़ा आ जाएगा। तो पहले ग्रेवी हो, क्या बात है क्या बात है। और ले लेते अपना केकड़ा, जा 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 भाई, केकड़ा दिखा मस्त, प्लेट भर के केकड़ा ले लेंगे। तो चलो भाई अभी दादा के साथ मस्त में बैठ के यहाँ पे खाने का एंजॉय लेता हूँ। चल शुरू फिर अपने। तो चलो भाई अभी हम लोग मिलके पूरा खत्म कर देते हैं, और भी सब लोग ले रहे हैं खाना। अपने वीडियो शुरू से एंड तक देखा हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप चैनल पे नए हो तो मैं आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लाता रहूंगा, तब तक के लिए बाय। गद्दारी कर बे। अंडा कौन सा?